नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा सदन में यूक्रेन में फंसे छात्रों के बारे में वक्तव्य दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन में युद्ध की स्थिति से उत्पन्न संकट में वहां से प्रदेश के छात्रों को सकुशल वापसी की नवीनतम स्थिति से मैं आज पुनः सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापिस लाने के लिए पड़ोसी देशों से ऑपरेशन गंगा के तहत कमर्शियल व भारतीय वायुसेना के विमानों की उड़ान संचालित की जा रही है। इस संदर्भ में प्रदेश सरकार पूर्ण संवेदनशीलता से विदेश मंत्रालय एवं यूक्रेन व पड़ोसी देशों में फंसे प्रदेश के छात्रों व उनके परिवारों से लगातार संपर्क में है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के 410 छात्र सकुशल वापिस आ चुके हैं। अभी प्रदेश के 58 छात्र यूक्रेन अथवा पड़ोसी देशों में हैं। उनकी वापसी के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यूक्रेन के पूर्वी भाग में रूस की सीमा के पास स्थित खार्किव से सभी भारतीय अब निकल चुके हैं। सुमी शहर में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए विदेश मंत्रालय यूक्रेन व रूस दोनों देशों से संपर्क में है तथा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश के शेष छात्र भी जो अभी वहां फंसे हुए हैं शीघ्र ही सकुशल लौटेंगे। इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार सभी परिवारों के साथ खड़ी है। अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी के रूप में इस माननीय सदन को मैंने अवगत करवाया, क्योंकि सभी के परिवारजन जो है वो बहुत चिंतित हैं, इसलिए मुझे लगा कि जो भी जानकारी हम तक प्राप्त हो रही है उस जानकारी को मैं लगभग हर रोज ही इस माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। विधानसभा सदन से आज विपक्ष के वॉकआउट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा बजट पर हो रही है और अच्छा होता कि वो समय का ध्यान रखते हुए इस माननीय सदन में बजट पर अपने अच्छे सुझाव देते, चर्चा करते। हम उनसे किसी तरह की इस तरह की उम्मीद में नहीं है कि हमारे पक्ष में बोलेंगे, लेकिन सार्थक चर्चा तो हो, तथ्यों पर चर्चा तो हो। ना तथ्य है ना सार्थकता है उनकी चर्चा में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जब मन आता है उठ करके बाहर चले जाते हैं, और आज बिना वजह के बेवजह के जो है वो सदन से वॉकआउट करके, क्योंकि हम उन्होंने वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके सदन में बोल रहे थे। जब हमने उनको कुछ कहा तो उस पर उनको ऐतराज है कि बोलना सिर्फ उनको ही चाहिए, हमको बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये नहीं हो सकता है, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार उनको है तो हमको भी है, बराबर का है। इस बात को समझना चाहिए। लगातार इस प्रकार का व्यवहार रखेंगे तो वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उचित नहीं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में विधानसभा परिसर के समीप कैनरी चौक पर स्मार्ट बस स्टॉप का लोकार्पण किया। शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बने इस बस स्टॉप पर 40 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस स्मार्ट बस स्टॉप में वर्षा शालिका, पुलिस चौकी, मोबाइल चार्जिंग, आरओ पेयजल सुविधा सहित 30 लोगों के बैठने तथा लगभग 100 व्यक्तियों के खड़े होने की क्षमता उपलब्ध करवाई गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बस स्टॉप का निर्माण कार्य जुलाई 2021 में शुरू किया गया था और 7 महीनों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में प्रांत अध्यक्ष श्री पवन कुमार और महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडीर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता स्कूल कैडर तथा प्रवक्ता स्कूल न्यू श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता स्कूल किया जाएगा। इसके अलावा टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्य अध्यापक बनने के लिए एक विकल्प दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास किए गए हैं और अन्य मांगों के समाधान की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमारी देवभूमि की, हमारी पहाड़ की, हमारी संस्कृति
कि अगर काम छोटा है चाहे बड़ा है लेकिन काम अगर होता है उसमें मदद मिलती है, उस मदद में कभी भी पीछे होकर के नहीं, आगे होकर के जो है उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं। आप सब आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे मसले जो हमारे सामने थे, जिन मसलों को लेकर के हम हमेशा सोचते थे कि इसका समाधान होना चाहिए, चाहे वो हमारा पीटीए का मसला था, चाहे वो पैट का मसला था, हमने उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनके लिए संघर्ष किया, वो भी संघर्ष करते रहे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ भाषण देने से नहीं, हमने व्यवहारिक रूप से उनका जीवन जो सुनिश्चित किया, उनका भविष्य जो सुनिश्चित किया कि उनको कहीं परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए इस बात को लेकर के हमने उनकी मदद की और खुलेआम मदद की और खुल करके मदद की। हमारे बीच में एसएमसी वाले जो कई वर्षों से हमारे दूर दराज के इलाके में जहां अध्यापक नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार खाली रहते हैं पद, बहुत सारे पद खाली रहते हैं, वहां जाकर के उनने अपनी सेवाएं दी, आज भी दे रहे हैं। उनके भविष्य के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। हमने कहा कि हमको मदद करनी चाहिए आपकी, उनने मदद मांगी, हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ी नहीं, लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाया। भारत माता की। और अभी हमने इस बात को लेकर के सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में जो पॉलिसी से संबंधित वो बात कह रहे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जहां आप हैं वहां आप रहेंगे, लगे हुए रहेंगे, उसी प्रकार से आपकी मदद करेंगे ताकि आपके भविष्य के सामने जो है अंधकार ना हो, आपके भविष्य के लिए किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपके परिवार के लिए कोई परेशानी ना हो। और इसी तरह से विषय बड़ा था या छोटा था लेकिन उसको समझाने में बहुत लगा वक्त लग गया। हमारे भाषा एवं संस्कृति अध्यापकों के बारे में कई वर्ष लग गए लेकिन हमने कहा इसका समाधान निकालना चाहिए, मुश्किल काम नहीं है, ये करना ही है। कई तरह की उसमें आ रही थी थोड़ी टेक्निकल चीजों को लेकर के उलझे हुए थे लेकिन आखिरकार हमने कहा कि ये करना ही है। और अभी हमने बजट में घोषणा की कि जो आपका जो पदनाम वाला विषय जो है इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे, ये हमने तय कर दिया कि ये इसमें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई जो आपकी है उसका समाधान करके दें। जहां हम भी बात कहेंगे आप भी बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को जहां हम बोलते हैं कि शिखर की ओर हिमाचल, शिखर की ओर हिमाचल का अभिप्राय है कि शिखर पर तो है लेकिन शिखर पर पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाना है, उसके लिए आप सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जिस प्रकार से सदैव रहा है कर्मचारी भाइयों का, उस सहयोग को आप बनाए रखें। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।